और ये पत्थरों वाली जगह गाइस, यहाँ से आए पत्थर यार, ये देखो गाइस। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। वो देखो भाई गाड़ियों का अभी भी सुबह भी जाम, मतलब लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कितना ट्रैफिक जाम था। मैं आपको 3 बजे यहाँ लगाया, ना खाना मिला ना कुछ, यहीं बैठे थे 3 बजे से, और अभी सुबह बज रहे 7 और गाड़ियाँ फिर चलना स्टार्ट हुई हल्की हल्की, तो यहाँ पर अब जाम लगा। डबल लाइन में वापस से जाम है। वो देखो हम अपनी रोड में, ऐसा नहीं कि हम रोड से बाहर आएंगे, देखो आगे साइड पर गाड़ी, हम अपनी रोड में खड़े हैं बट यहाँ पे गाड़ियाँ वापस से आ रही हैं, डबल लाइन हो गई है, समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। आपको बताऊंगा गाइस, अभी मैंने यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया तब 7 बज रहे, 9 बज गए, गाड़ी सिर्फ 100 मीटर आ गया। और भाई अपनी हालत भी पूरी ख़राब हो गई, आंखें भी पूरी लाल, और ना अच्छे से खाना खाया ना पानी है। अभी आगे फ़ोन किया रामबन, पस्ती में पस्ती तो थोड़ी थोड़ी चली, आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। बाकी सब यहाँ पर ड्राइवर भाई परेशान, वो पार है एक दुकान बस वहाँ पर, उससे दुकान भी कोई नहीं है अपना, पूरे ट्रक ही ट्रक हैं पहाड़ों पे। यही मुश्किल है भाई यहाँ पे यार, वो नीचे खाई, नीचे नाला। इस गाड़ी के आगे साहिल भाई की गाड़ी है, उसके आगे उमर भाई की गाड़ी। मैं सबको उम्मीद, कोई भी ड्राइवर अच्छे से सो नहीं पाया यार, गाड़ी रोड पे कहाँ सोएंगे यार, टेंशन कब छोड़ दें कब छोड़ दें। अभी बज गए भाई 9 और अभी तक नहीं खुला जाम पे, सभी भाई यहाँ पे बैठे, और यहाँ पे ना चाय है ना पानी है, बस इंतज़ार है, आगे देखते रहो कब गाड़ी हिलेगी कब गाड़ी चलेगी, सभी इसी उम्मीद में बैठे हैं यहाँ पे। और मेरे को यहाँ से पत्थर भी आ रहे हैं, खाली गाड़ियाँ ना पत्थर लोड करने के लिए आ रहे हैं खुद ही, कितना लंबा जाम है वहाँ तक। अभी तक जाम तो भाई नहीं हुआ, 11 बज गए और मैं यहाँ साइड में बैठा नीचे, धूप आ गई, अब धूप ही सेक रहे हैं। चली शायद गाड़ियाँ, क्या हुआ चली गई। अभी यहाँ से गाड़ियाँ क्लियर नहीं हुई ना, ऊपर से भी ऑलमोस्ट कान भाई वापस, छोटी गाड़ियों की पैसेंजर गाड़ियों ने वापस छोड़ दी हैं, और आगे से भी शायद छोड़ देंगे। और देखो कितनी बड़ी खाई है नीचे, बस बैठे इंतजार। वो उमर भाई गाड़ी, साहिल भाई भी सो रहा है, उमर भाई जाग गया, खिड़की खुली है। एक तो भाई हालत इतनी ख़राब हो गया ना, अब धूप से नींद भी आ रही है, और सब परेशान हैं जो यहाँ पे ना पैसेंजर हैं, जब जिनको कहीं ऑफिस जाना है बहुत ज़्यादा परेशान है, पैदल ही आ रहे हैं, और कह रहे हैं आगे बहुत बुरी हालात। रात से अच्छे से खाना नहीं खाया, अभी यहाँ पर चाय मिली, पर यहाँ पर एक ढाबा था, छोटा सा एक दुकान है, पहले वो चाय देता था जैसे दूध से सही भी, अब इतनी गाड़ियाँ होगी ना तो भाई वहाँ पर मिलावट स्टार्ट हो गई है, मतलब दूध कम पानी ज़्यादा है, और वहाँ पे राजमा चावल भी मिलते हैं, सुबह तक राजमा चावल मिल रहे थे, और अभी इतनी गाड़ियाँ, देखो सबको खाना खाना है, हर किसी के पास यहाँ पे नहीं है खाना, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा जाम लग सकता है पूरी रात का, पता थोड़ी देर लेट मिलेगा पर खाना मिल जाएगा। अब वहाँ पे सिर्फ दाल दाल मिल रही है, दाल नहीं मिल रही, पानी और नमक मिल रहा है राजमा के नाम से, सच में परेशानी इतनी होगी अभी। और अभी कोई अपडेट नहीं है कि गाड़ियाँ छोड़ेंगे, पीछे से छोटी गाड़ियाँ फिर छोड़ देगा, कम से कम उनको रोक के रखो यार, इनको तो क्लियर करो, और हमें एक तो भूख, ऊपर से इसका डर पत्थर के आने का। यहाँ से आ रहे हैं पत्थर कभी कभी, देखो इतना मलबा आया। अभी चलो गाड़ियाँ दूर हैं, ज़्यादा आएंगे फिर गाड़ियों से निकालनी पड़ेंगी सभी को। सुबह से तकरीबन अब 12 बजे गाड़ियों को छोड़ा गया है भाई, और भाई जी अभी छोड़ा गया, पर अभी तगड़े वाला जाम है यहाँ पे भी, गौरव रह गया पीछे और उसका कनेक्टर पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते, अब की जगह मिलेगी तो ही उनका इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो भाई फिर हमें आगे ही जाना पड़ेगा। पर जाम लग गया अभी, वो पार अपना उमर भाई, वो देखो यार उमर भाई बाय बाय कर रहा था, पर आगे पिकअप आ गई है। हाँ वो देखो उमर भाई के पीछे साहिल भाई की गाड़ी है, 2-3 गाड़ियाँ बीच में हैं, मतलब वो आ जाए उन्होंने उस तरफ से भी, भाई छोटी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है, जो फ्रेश वाली गाड़ी जैसे पिकअप आ रही है, जिन पर फ्रूट वगैरह लोड है, सब्जी लोड है वो, और उसके साथ छोटी गाड़ी, हम थोड़ा आगे बढ़े बस, और ये छोटी गाड़ी वाले जो यहाँ पर रुके हैं पूरे तैयार बैठेंगे, जैसे ही आगे से गाड़ी आना काम हो ये भी निकले आगे। परेशानी सबको है, सबको जल्दी, अब क्या कर, सब्जी वालों को जल्दी जिनको आज सुबह की मंडी थी, रात को निकलना था। तगड़े वाला जाम है आज, इस टाइम गाड़ियां सब जम्मू होती हैं लोड के लिए, लोड कर रहे होते हैं, सबने सोचा था, मैंने साहिल भाई ने सोचा था हमारी भी लोड हो जाएगी, हम भी जाएंगे, साहिल भाई को आगे चले गए, और ये गाड़ी वाला पीछे इतना दिमाग खराब कर रहा था, ऐसी जगह भी ओवरटेक कर रहा है, वहां पे उस साइड खड़ी हुई, मैंने भी बीच नहीं आने दी भाई, मैं क्यों आने दो बीच में यार, जब हम पागल हैं जो पूरी रात से वेट कर रहे हैं या भूखे प्यासे, तुम आगे आते हो
फिर बोला आगे चल देख लो, तो मैंने कोई बात नहीं है अच्छे से आना, फिर अच्छे से देख लेते हैं हम भी, जो हम गलत नहीं है भाई, ना किसी से गलत बोलना ना, ना भाई सीधी सी बात है, मैं रोड में चलता हूँ ना, मेरे किसी से ना किसी को गाली देनी ना किसी की गाली सुननी, क्योंकि हम किसी के माँ बाप के लिए कुछ बोलते नहीं, कोई बोलेगा तो भाई बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। हाँ कई लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता। अब से हमने भी डंडा रखा गाड़ी में, जितना प्यार से रहो ना उतना नहीं रहने देते लोग। अब यहाँ से ना चनाब नदी स्टार्ट होगी, और अब यहाँ से रामबन जो डाउन है वो भी स्टार्ट हो जाए, चलो अभी ठीक है यार, डाउन में कम से कम जाम जाम है, न्यूट्रल न्यूट्रल उतरते रहो धीरे धीरे। वो उमर भाई की गाड़ी, अभी पहुँचे भाई रामबन से भी पहले, और पस्सी से काफ़ी पहले हैं हम, अभी फिर से जाम, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ पस्सी क्रॉस कर रही हैं, थोड़े चलते हैं फिर रुक जाते हैं। लगता है आज दिन को भी ना भूखा ही रहना पड़ेगा, कल रात से आए तो कोई शॉप भी नहीं है यहाँ पे ना, अब रामबन जो पस्सी वो पार करके फिर ढाबे आते हैं, वो जहाँ पे पीड़ा है ना वो देसी घी चावल मिलते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे तो ही। अपनी गाड़ी में चावल तो हैं, अब बना रहे भाई एक चावल, पर सूखे चावल रात को भी खाए थे भाई, तो चावल से किया ही, अब वहीं पहुँच जाते खाना खाते अच्छे से। अकान भाई होगी लोड हो नहीं हो वो अलग मसला, एक आध दिन टूट जाएगा भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। आज तक हमने ना फनी ब्लॉग बनाने बनाए, हर चीज़ के बनाए, कितने पैसे बचते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, ऐसे ब्लॉग हम बड़े कम बनाते हैं, मतलब जैसे आपके सामने कल वाला जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा भाई डिस्क्रिप्शन पे लिंक एक बार देखो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ। कल के हम फंसे, सफ़र 300 किलोमीटर से कम, और कल 1 बजे हम घर से निकले, आज 2 बज रहे हैं, 25 घंटे हो गए हमें चलते हुए, रुके नहीं हैं, चल रहे हैं 25 घंटे में, अभी हमारा 300 नहीं निकला, खींच के हमें 150 से भी कम निकाला, 120 किलोमीटर सफ़र निकला भाई, 25 घंटों में 100 किलोमीटर गाड़ी चली है, और देखो अभी रुकी है, खींच के चलेगी 200 मीटर स्टार्ट करो 200 मीटर जाओ, फिर रुक जाएंगे बंद कर दो फिर बैठो, और यहाँ पे कोई दुकान नहीं कोई कुछ नहीं, बस पानी मिला पानी पिया, मतलब ये अक्सर इस रोड पे होता है, मेरे साथ नहीं हर ड्राइवर भाई के साथ होता है, पर हम ये चीज़ नहीं दिखाते इतना, पर आज दिखाया क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1-2 घंटे का जाम, 3 घंटे का जाम, जब 3 घंटे खाना लेट खाया, जैसे रात को अगर नहीं 12 बजे नहीं मिला सुबह 4 बजे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि गाड़ी चल रही कहने के डब आएगा, आज अगर रात को 12 बजे नहीं मिला तो आज, अगर रात का खाना लोग 9 बजे खाते हैं तकरीबन 10 बजे खाते होंगे, देखो रात को 10 बजे खाना नहीं मिला ना भाई, हमें 10 नहीं हमें 12-1 बजे मिल जाता है, तो आज हमारा ऐसा हो गया 10 बजे नहीं मिला 12-1-2, आज दूसरे दिन 10 सुबह के, और आज दूसरे दिन 1 बज गया, कोई खाना नहीं है, बिना फूड सिर्फ पानी है पानी, अब पानी पी के भी भाई यहाँ पर दर्द निकल रही है साइड से, ज़्यादा पानी पीते हैं तो शख्स, आगे उमर भाई की गाड़ी पीछे साहिल भाई, बस कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि कब ये टनल पार होगा, क्योंकि पसी आ रही है, खुद डर भी लगता है क्योंकि रात को अचानक से आई है, पहले होती थी बारिश में आती थी, आज बिना बारिश की आ गई है। आप ये नहीं बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो भाई 3 बजने वाले और अभी हम 1 बजे यहीं थे, अभी हम यहीं हैं, आगे से थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, पर हमारे लिए वो पस्सी बड़ी दूर है, ये छोटा सा मसला है, इसको चेक करवा लेंगे मिस्त्री को, वैसे मुझे चक्का भी तो लीक है, यहीं बैठे हैं यार, समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में कर के आ रहे हैं, सबसे मुश्किल दिन आज का। ऊपर से नहीं कर रहा क्योंकि इसका भी काम है ना, इस चक्के का देखो, इस पर भी ऑयल लीक है पूरा, ग्रीस है जो, इसको भी करवाना है ठीक, आज टाइम से पहुँचते ऐसे होगा तो मिस्त्री चला जाएगा। साहिल भाई भी यहाँ सब्जी वाली दुकान भी नहीं, कुछ खाना बनाते, अब 3 बज गए कल से भाई कुछ खाया नहीं, ये ज़िंदगी कभी कभी हमारी होती है, यहाँ से देखो कितनी बड़ी खाई है एकदम से, ये देखो अभी बजने का 3:30 हो गए पूरे, और यहाँ पे ही अभी बस ये टनल में पहुँचने वाले हैं, ये टनल ये लास्ट टनल है, इसके बाद मतलब पसी अभी नहीं है, पसी बड़े दूर है, तो भाई हैं अपने, तो भाई पहले मिलने आए तो फिर देखा यहाँ पे दुकान भी नहीं है ऐसे, तो भाई ये ले आए चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह, भाई मतलब स्पेशल के आगे गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी है भाई के पास ना, तो वापस वो चल पड़ी आगे से थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी चल पड़ी थोड़ी, वो देखो टनल के अंदर जा रही है थोड़ी थोड़ी, टाइम देखो 4:30 होने वाले, और पास ही अभी भी काफ़ी दूर, कहाँ पे 4 बजे कहाँ पहुँचेंगे यार, मेरे को था अभी हम बना जहाँ का मैन जाम है वहाँ तक नहीं पहुँचे, जम्मू तो हम 7-8 बजे पहुँचेंगे, वो भी गैस कर सकते हैं कह नहीं सकते, यहाँ से भी आते हैं पत्थर भाई इतने ज़्यादा नहीं आते, वो मेन जगह वही है, वो जगह बिल्कुल सिंगल हो गई है सेम जगह, तो आप भी बोल रहे हो कि कहाँ यार बोर एक ही जगह दिखा रहेगा, हम खुद परेशान हो गए, अभी टाइम मैं दिखाता हूँ ना, टाइम 5:25 और चावल बनाए थे अभी, गोरबर गए थे
पैदल काफी टाइम से गौरव और इस भाई का बड़ा भाई जो उमर भाई का कंडक्टर है, तो खाना लेने के लिए भाई आया था कुछ काम से जम्मू पर। भाई आपको कैसी लगी ट्रक लाइफ? खाना अच्छी लगी? खाना मिला? आया पहली बार खाना। ये हमारी सुबह की ब्रेकफास्ट है, सुबह से उन्होंने चाय पी थी, एक ही बस। अभी टाइम हो गया शाम के 5 और हम भूखे, हमारे साथ भाई भी भूखा। ये नहीं है कि हम खाए, पीछे कोई ढाबा ही नहीं मिला ना कोई दुकान मिली, बस चिप्स वगैरह ही ले रहे हैं, उसी से टाइम निकाल रहे हैं। शायद आगे गाड़ियाँ चली, ड्राइवर दौड़े आगे पर नहीं चली यार। गौरव गया पानी लेने के लिए क्योंकि गौरव को पता चल चुका है कि शायद अपनी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ना आगे पूरा पहाड़ नीचे आ गया। ऐसा एक भाई ने बोला, वो सब्सक्राइबर भाई आगे ही रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि पहाड़ पूरा आ गया, सामान वगैरह ले लीजिए, रात आपको यहीं लगानी पड़ेगी। देखो अभी हमें ना 26-27 घंटे हो गए हम लोग सफ़र निकाल रहे हैं, और यहाँ पे अभी क्या आ रहे थे ऊपर से ये यहाँ पे पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर मशीन काम कर रही है, इस तरफ से पत्थर नीचे आ रहे थे खर 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 की आवाज़ से। इन गाड़ी वालों की वजह से भी भाई जाम नहीं खुलता यार। ये देखो ये आगे निकल जाते हैं, आगे जाके दूसरी गाड़ी आएगी, अगर सब ऐसा करेंगे तो कभी जाम नहीं खुलेगा। यहाँ से निकाली उसके आगे लगा दी, कोई मतलब नहीं बनता एक गाड़ी को ओवरटेक करके, भाई क्या कर लोगे यार। अभी भी चल पड़ा, मुझे भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मैंने खाना ही डाला था, खाना खाने वाले थे पर भाई चलो नसीब में नहीं है, अभी शायद 2 मिनट के बाद ही होगा, करते हैं स्टार्ट। गाड़ी इतनी इतनी देर के लिए गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, इतने इतना हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। वो पीछे गौरव आ रहा था, मैं आपको गौरव दिखाता हूँ भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और गौरव कहाँ से पानी लेके आ रहा है। थोड़ा ब्लॉग लंबा रहेगा पर भाई ये दो कल का ब्लॉग अगर अपनी जिंदगी का एक बार वापस देख लें, कल का और आज का ब्लॉग ना हमारी लाइफ के एक्सट्रीम थे, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी ख़तरनाक थे और इमोशनल्स थे भाई, जो रियल लाइफ होती है। यहाँ पे सुखा पैसे के बाद हैंड ब्रेक डालते हैं क्योंकि ना मेरा गाड़ी का प्रेशर ऐसे लीक होता है अगर हैंड ब्रेक खोली होती है। बस अब गौरव पानी लेके आए ना, अभी मिला गाइस खाना, सबने खा लिया, साहिल भाई और उनको भी खाना पहुँच गया। गौरव पानी भी लेके आया, कैनी भर के, काफ़ी दूर से लानी पड़ती है, खाना भी काफ़ी दूर से लाया, मतलब चावल थे हमारे पास, दाल लाई, तो बस अभी खाना खा रहे हैं यार। छः बजने वाले हैं और हम वहाँ के वहीं पर, अभी अब भाई कुछ कह रहे हैं आगे से शायद छोड़ना स्टार्ट। चल पड़े लाइने, ये अपने भाई थे सारे, मिलने तो सबसे मिल सकता है इंसान पर ना टाइम ही नहीं होता, कहीं पर भाई आ रहे होते हैं कानवाई में, हम जा रहे होते हैं तो टाइम ही नहीं। आज चलो कुदरती क्या सबसे मिल रहे हैं, आज कल से यहीं अभी पता नहीं कल तक पहुँचेंगे। और भाई मतलब मैं वही दिखा रहा था, मैं कल के ब्लॉग से सही लाइफ पता चल रही है ट्रक लाइफ कैसी है। रात को तो सच में हमारे पास ही चावल थे और हमने कैसे खाए नमक के साथ हमें पता, यहाँ पे हमें पानी भी नहीं था। चल पड़ी चले भैया आगे मिलते हैं फिर, ठीक है आओ फिर आगे। इस एक तो गाइस वो पहाड़ों से मिट्टी नीचे आने की वजह से धूल, देखो आगे भाई कैमरा गंदा नहीं है भाई, रास्ता ही ऐसा दिख रहा है। जैसे तैसे 2 दिनों के बाद हमने इंटर किया भाई रामबन बाजार में, बाजार पार करके वो बसी है, और कह रहे हैं अभी भी बड़े बड़े पत्थर आ रहे उसमें, देखो वहाँ जाके पता चलेगा। अब सुनी सुनाई पे तो ना मैं विश्वास कर रहा हूँ ना आपको, मैं कहने को कह रहा हूँ करो, बस है कि अंधेरा पड़ने से पहले पहुँचे फिर आपको अच्छे से बता सकते हैं। ये देखो भाई रोड कैसे पार कर रहे हैं, ऐसे इनकी अपनी रोड है घर की, आ गई वो जगह और सीटियाँ स्टार्ट पुलिस वालों की, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ छोड़ना क्या करना। ये देखो यहाँ से भी आए थे पत्थर गौरव, और ये पत्थरों वाली जगह गाइस यहाँ से आए पत्थर यार, गाइस यहाँ से आए पत्थर, देख सकते हो आप कितना रास्ता है यार, कितना फिक्स रास्ता है। ये देखो गाइस ये वही जगह कर रहा हूँ पार, ये देखो यहाँ कितना रास्ता है यहाँ पे यार, यहाँ से कौन सी गाड़ी दूसरी निकले, कार भी निकल सकती है। यहाँ पे खाई देखो एक बार, अगर यहाँ पे कीचड़ में गाड़ी थोड़ी तेज आती है, गाड़ी स्लिप होती है, तो भाई 300 फीट वो नीचे देखो गाड़ी भी एक पड़ी है पहले की। वो यार काम तो कर रहे हैं यार, ये भी नहीं कहते कि सरकार डेली है, अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, पर कुदरत का किसी का जोर नहीं है, बस एक जगह है तो एक वो नीचे जगह है, ऊपर तो लाइव पत्थर चल रहे हैं भाई। कई भाइयों के ना पस्सी छोटी सी लग रही है भाई, ये क्या बात हुई भाई, इस पस्सी से 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ऊपर तो जाम नहीं खुला। जो गाड़ी कल श्रीनगर से जम्मू के लिए आई थी वो गाड़ी आज तक नहीं पहुंची यहाँ पे अपनी मंजिल पे, भाई छोटी मोटी बात नहीं है, जान जाती है यहाँ पे, जान कईयों ने जान गवाई है यहाँ पे।
हालत देखो रास्ते की, ये गाड़ियाँ रोके रखी हैं जो जाने वाली हैं, पहले हमारी गाड़ी क्लियर होंगी फिर इनको भेजेंगे। मैं टर्न बाई टर्न गाड़ियाँ भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी सभी गाड़ियाँ छोड़ रहे थे, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं, सब्जी वाली, टूरिस्ट, बसें, सब गाड़ियों को यहाँ पर रोक के रखा हुआ है, बाकी जो ऊपर से गाड़ियाँ कल की छोड़ी हैं वो क्लियर हों फिर इनको यहाँ से भेजें, यहाँ से सब में भाई सब्जी फ्रूट वाली गाड़ी होगी और टूरिस्ट गाड़ी, बसेस भी बहुत हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होटल भी हैं कम से कम थोड़े। पहुंच के जखैनी टनल से पहले लास्ट बस खतरनाक जगह पसी बजा, इसके आगे कोई नहीं है, सर मोली है वो नॉर्मल है, उससे आगे लोड गाड़ी जा रही है, इसके पीछे मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, बस जगह मिले फिर हम निकले आगे, बस टनल क्रॉस करके कोई टेंशन नहीं है, फिर सीधा रोड। जैसे ही टोल से बाहर अपना टनल से बाहर निकले यहाँ पे जाम लग गया, शायद आगे कोई मशीन वहाँ पे दिख रही है, वो जैसी भी कुछ काम कर रही है उस वजह से जाम होगा, साहिब भाई शायद पीछे टनल से भी। पान टोल प्लाजा पहुंचने वाले वैसे चढ़ाई चढ़ के ही आगे दुमेल काट, इसके बाद आ जाएंगे टो अपना टनल, टनल के बाद टोल और सीधा नगरोटा है दैन जम्मू। आज अपना दोस्त भी आया जम्मू, इंतज़ार कर रहा और भूख लगे, खाना अपने ढाबे पर खाएंगे, यहाँ पे हम खाते हैं। तकरीबन 11 बजे हम पहुँच गए नरवाल, यहाँ पे अपने ढाबे वाले भाई, उनको हमने फ़ोन करके रखा था कि अभी ढाबा बंद करना, मैं तो पहुँच के बाद साहिल भाई और वो भी पहुँचने वाले हैं, उमर भाई भी, तो खाएँगे खाना ढाबे पर, बस मेरे को तो हम ही खाएंगे, उसका ढाबा बंद हो जाएगा। आंखों में बहुत नींद है, बस अब आराम से सोएंगे आ गया, हिम्मत बिल्कुल नहीं है। खाना पीना अपना हो गया, अभी बज के सही भी यार 12 बज गए, जा गया कोई यार जिंदगी अलग सी चल रही है, 12 बज के तो भाई आज का ब्लॉग भी आपने देखा, आज का भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, सबने अपनी रियल लाइफ बताई यार, उमर भाई उन्होंने बड़ा शोर मचाया यार, बड़े पंगे कर रहे, सो ही नहीं रहे, बस मेरे को आ रही है नींद, बोला सो जाएगा साहिल भाई की गाड़ी में और मैं यहीं सो जाऊँगा, मैं और ये मेरा दोस्त के बारे में हमने बताया था साथ पढ़ते थे, बस खाना गाड़ी पे लाया क्योंकि लेट पहुंचा ना, वो ढाबे वाला भाई है उसने मार रही ढाबा खोल के रखा था, पढ़ते थे पढ़ते ही थे, समझ नहीं आपको आ गई जल्दी। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक अदर ब्लॉग पर।